फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी स्वादिष्ट सी नाश्ता की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर न किए हुए इस नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। तो अब एक बड़ा सा बाउल ले लेते हैं और इस बाउल में लेंगे एक कटोरी इस तरह से बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, छोटा सा टुकड़ा गाजर का जिसे मैंने इस तरीके से ग्रेट करके लिया है, छोटा सा टुकड़ा शिमला मिर्च का जिसे मैंने इस तरीके से पतले पतले लंबाई में ही काट लिया है। अब इसमें डालेंगे छोटा सा टुकड़ा प्याज का जिसे मैंने इस तरीके से लंबाई में ही काट के लिया है। अगर आप प्याज खाते हो तो डालिएगा, नहीं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, एक चौथाई चम्मच कच्चा जीरा डालेंगे, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं और अभी इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे और इसे थोड़ी देर इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स कर लेने से क्या होगा कि सब्ज़ी में जितना भी पानी छूटना होगा वो पानी छूट जाएगा और सब्ज़ी भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। देख सकते हैं इसे मैंने थोड़ी देर इस तरीके से मिक्स कर लिया है, इसमें से पानी भी छूट चुका है और सब्जियां भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। सब्जियों को मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। मसाले हमने इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि नाश्ता का टेस्ट बढ़ जाए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। अब यहाँ पे एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे जिससे नाश्ता का कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा, और एक चौथाई चम्मच हम यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो मिर्च थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लेते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, वो तो डालिएगा, नहीं तो प्लेन नमक से ही इस नाश्ता को बना सकते हैं। और अब यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे आधा कप सूजी और साथ ही डालेंगे एक कप बेसन। मैं इस नाश्ता को बनाने के लिए बेसन और सूजी का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे बनाने के लिए मैदा या फिर गेहूं का आटा का भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि क्या होगा ना कि हमने काफ़ी सारा इसमें सब्जी डाला है, उसे नमक डालकर पहले ही मिक्स किया है जो काफ़ी सारा पानी छोड़ चुका है। तो पहले इस तरीके से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर यहाँ पर आधा कप के जितना हम पानी डालेंगे, एक बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डाल लेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा, और इसे हमें ज़्यादा गीला या फिर ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे इसमें। और नमक आपको कम लगे तो आप इस टाइम पे भी थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। मिश्रण हमारा रेडी हो चुका है, देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, इसमें ढेर सारी सब्जियां डली हुई है तो हेल्दी भी बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब नाश्ता बना लेते हैं। इस नाश्ता को बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है और पैन को गर्म कर लेंगे। पैन गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, लगभग एक से डेढ़ चम्मच के बराबर ही डालेंगे, बहुत ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, और तेल को पूरे पैन में अच्छे तरीके से फैला लेंगे। मैं इस नाश्ता को बनाने के लिए पैन ले रही हूँ, आप चाहे तो कोई तवा भी ले सकते हैं, उसमें भी ये नहीं चिपकती है। अब इस तरीके से बैटर लेते जाएंगे और पैन में अच्छी तरीके से इसे पतला सा फैला लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है, मीडियम थिकनेस का ही इसको रखेंगे, और आप अपनी पसंद के अनुसार इसे छोटे या बड़े साइज में बना सकते हैं। मैं इसे बड़े साइज़ का ही बना रही हूँ ताकि आराम से दो तीन आदमी एक ही नाश्ते में खा सके। देखिए मेरा जितना बड़ा पैन था मैंने पूरे पैन में इस बैटर को अच्छे से फैला लिया है, और साइडों को इस तरीके से हल्का सा फिनिशिंग दे देंगे इस तरीके से चम्मच की सहायता से। अब इस तरीके से पैन में बैटर को फैला लेने के बाद ऊपर से इसको कवर कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। देखिए नाश्ता को ढककर रखे हुए कुछ देर हो चुका है, ये ऊपर से ड्राई हो गई है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर से थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल लेंगे।
नाश्ता एक साइड से सिका या नहीं वो हम कैसे चेक करेंगे, तो इस तरीके से हम स्पैचुला की सहायता से इसको हिलाएंगे तो ये इस तरीके से पैन को छोड़ देगी। इसका मतलब ये हमारा नाश्ता जो है एक साइड सिक चुका है। तो इसको हम पलटेंगे कैसे, तो इसका पलटने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। इसे पलटने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक प्लेट या कोई भी थाली रख लेंगे इस तरीके से, और पैन को हम सीधा पलट लेंगे। अब थाली में हम इस तरीके से नाश्ता को ले लेने के बाद फिर से इसे पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे कुछ देर हम इसी तरीके से लो फ्लेम पर इस तरीके से दबाते हुए सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इस नाश्ता को बनाने में, 5 से 6 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाती है। इस नाश्ता को दूसरे साइड सीखते हुए भी कुछ देर हो चुका है। ये नाश्ता दूसरे साइड भी हल्का सा ब्राउन होने तक सीख चुकी है, तो इसे पलटने में भी दिक्कत नहीं हो रही है। ये हमारा एक नाश्ता बनकर तैयार हो चुकी है। इसे निकाल लेते हैं और दूसरे नाश्ता को भी हम सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दूसरा नाश्ता जो बना रही हूँ वो थोड़े से छोटे साइज़ के बना रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा नाश्ता भी सीख कर तैयार हो चुका है। इसे आप टमाटो केचप या फिर ग्रीन चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ता की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर।